गांधी सागर के चौपाटी यानी खाऊ गली का उद्घाटन होते ही शहरवासियों में उत्साह भी बढ़ गया है। खान पान के शौकीन परिवार और दोस्तों के साथ खाऊ गली पहुंचने लगे हैं, लेकिन खाऊ गली उद्घाटन के दूसरे दिन से ही बंद पड़ी है। गांधी सागर की चौपाटी यानी खाऊ गली का उद्घाटन होते ही शहरवासियों में उत्साह भी बढ़ गया। खान पान के शौकीन परिवार और दोस्तों के साथ खाऊ गली पहुंचने लगे हैं, लेकिन खाऊ गली उद्घाटन के दूसरे दिन से ही बंद पड़ी है। ऐसे में खाऊ गली पहुंच रहे लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। वहीं खाऊ गली में जिन दुकानदारों को स्टॉल के लिए जगह मुहैया कराई गई है, वे भी परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों ने तो स्टॉल के लिए रकम अदा की है। उद्घाटन के बाद से ही खाऊ गली पर ताला जड़ा है, ऐसे में वे भीतर दुकान नहीं लगा सकते। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 25 जनवरी के बाद दुकान लगाने की बात कहकर भीतर जाने से रुका जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी समय है। वहीं मनपा प्रशासन का दावा है कि सारा काम हो चुका है, लेकिन यहां सवाल भी उठ रहा है कि जब काम पूरा नहीं पाता तो इतने जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। स्टॉल धारकों का सेटअप होने के बाद ही उद्घाटन किया जा सकता था। अब लोग इसी उम्मीद से खाऊ गली पहुंच रहे कि वहां खान पान के स्टॉल चालू हो गए हैं, लेकिन खाऊ गली बंद होने से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों महानगर पालिका की ओर से ऑरेंज सिटी फूड प्लाजा अर्थात खाऊ गली का उद्घाटन किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।